दोस्तों आज हम आपके सामने ला रहे हैं फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान का मूवी रिव्यू। एक्टर आमिर खान की फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान सारे सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म का रिव्यू आज हम आपको लेके आ रहे हैं सीधे थिएटर से और केवल आपके लिए। तो आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी की मुख्य बातें। इस फिल्म में आमिर खान बने हैं फिरंगी मुल्ला और मूवी के फर्स्ट हाफ तक उनका नेगेटिव किरदार है। इस फिल्म में आमिर खान के किरदार पर कोई भी भरोसा नहीं रखता क्योंकि वो हमेशा ही अपने फायदे के बारे में सोचता है और उस दौरान वो किसी का भी भरोसा तोड़ देता है और यही है उसकी फितरत। इस फिल्म में आमिर खान का किरदार फिरंगी मुल्ला अंग्रेजों के साथ बना है और अंग्रेज उसे अमिताभ के गैंग में घुसकर उनकी जान लेना चाहता है। वही अमिताभ का किरदार का नाम है खुदा बख्श आजाद, जो राजा के वफादार बने हैं। राजा का रोल निभाया है रौनित रॉय ने, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज धोखे से मार देते हैं। अमिताभ बच्चन राजा की बेटी को बचाकर अपने साथ लेकर फरार हो जाता है। इस फिल्म में फातिमा शेख जफीरा का किरदार निभा रही है। फातिमा शेख को इस फिल्म में गिने चुने डायलॉग ही मिले हैं। यही वजह है कि आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म में आमिर खान और अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों के होने के बावजूद ये फिल्म छोड़ दी। इस फिल्म में कैटरीना कैफ सुरैया के किरदार में है और उनका गाना सुरैया जान लेगी क्या अब तक के उनके आइटम नंबर में से सबसे शानदार गाना है। इसके अलावा इंटरवल तक कैटरीना का कोई खास रोल नहीं है। ये फिल्म पूरी ही VFX से भरी हुई है और इसे बड़े पर्दे पर देखना काफी ही मनोरंजक है, लेकिन साथ ही इस फिल्म की कहानी और डायलॉग्स में कोई प्रशंसा करने वाली बात भी नहीं है। इस फिल्म के किरदारों को देखकर कभी कभी आपको यह भी लगता है कि ये फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से इंस्पायर्ड है और इस फिल्म की VFX और स्क्रीन प्ले पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से काफी मिलती जुलती है। वैसे तो दिवाली के शुभ अवसर पर इस फिल्म को काफी अच्छी ओपनिंग मिल चुकी है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म को 40% की ओपनिंग मिली है। मुंबई जैसे शहरों के सिनेमाघरों में ये फिल्म हाउसफुल चल रही है, लेकिन आमिर खान और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ भी फिल्म का फर्स्ट हाफ उतना ज्यादा भी शानदार नहीं है और कई अवसर पर ऑडियंस बोर भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन और आमिर खान ने अपने एक्टिंग के बलबूते पर इस फिल्म में एक अलग सा टच दिया हुआ है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और आमिर खान की तलवार कलाबाजी देखते हुए ऑडियंस को काफी एंटरटेनिंग लगेगा और साथ ही जॉन क्लाइव के रूप में एक्टर लॉयड ओवेन ने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। तो ये था मूवी का रिव्यू। दोस्तों इसके अलावा भी यू आर बॉलीवुड के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो यूट्यूब समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।